दोस्तों ये है अपना थोड़ा सा सामान जिसकी पैकिंग हो चुकी है और ये सब हमने लोड करके रख दिया है अपने ट्रैक्टर और ट्राली में। हाय गाइस, मुंह दिखाई है तो आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग जो हैं ये ट्रैक्टर पे अपना सामान लेके जा कहाँ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो जानने पहचानने वाले हैं उन सबको पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हम जा रहे हैं हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के मेले में जो लगता है तिगरी में। ये तिगरी पड़ता है गजरौला के पास में। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये एक राजकीय मेला है और कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है गंगा किनारे लगने वाला, यही सबसे बड़ा मेला है। तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि इस मेले के लगने का जो पीछे मेन रीज़न है या फिर ये मेला यहाँ पर लगता क्यों है। तो कहते हैं कि ये मेला त्रेता युग से लगा चला आ रहा है, किसी को भी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि ये कब से लगता है। ना सरकार को पता है, ना जो पहले जिला पंचायत लगवाती थी ना उसको पता है, और यहाँ गांव वालों का भी जो मानना है, जो तिगरी गांव है उनका मानना है कि ये त्रेता युग से लगता चला आ रहा है मेला। कहते हैं कि यहाँ पर जो श्रवण कुमार था वो अपने अंधे माता पिता को लेके आया था, तो वो यहीं पर गंगा के पास में ही रुका था और वो लगभग यहाँ पे 5 दिन रुक के गया था। तो उन्हीं 5 दिनों का यहाँ पर मेला लगता चला आ रहा है। तो रात के लगभग 1-1.30 बजे के आसपास हम पहुँच चुके थे यहाँ पे गंगा मेला तिगरी। तो उसके बाद आके हमने यहाँ पे टेंट लगाया है जहाँ पे हम रहेंगे 4 से 5 दिन के लिए। तो ये हमारा टेंट लगा हुआ है, कल दिन में मॉर्निंग में आपको दिखा दूंगा मैं कैसा टेंट लगा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इस गांव का ये है मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से एंट्री हो जाती है और गांव में पहुँचने के बाद ये पड़ेगी आपको हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, और फिर उसके आगे आ जाता है माँ चामुंडा देवी का मंदिर, और जस्ट इसी की साइड से निकल रही है गंगा नदी। अब अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसके पीछे से जो निकल रही है गंगा नदी। तो दोस्तों पहुँच गए हैं गंगा मेला तिगरी। ये हमारे पीछे हैं गंगा जी, गंगा घाट है ये, घाट नंबर 1। तो रात जब हम आ गए थे यहाँ तो ये हमने यहाँ पे टेंट लगाए हैं ऐसे, तो आप देख रहे हो। तो हमारे गांव के आसपास वाले लगभग 6-7 ट्रैक्टर हमारे गांव से गए थे, तो सभी ने जो है ऐसे टेंट लगाए हुए थे, और पूरे मेले में ऐसे ही टेंट लगते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये पूरा मेला है, ये गंगा किनारे मेले की लंबाई होगी कम से कम 4 किलोमीटर के आसपास, किनारे किनारे पर होता है, और साइड में 3 किलोमीटर के आसपास तक भी ये मेला लगता है। और यहाँ पे जो आते हैं लोग बार कम से कम दिल्ली हो गया, मेरठ साइड, पूरा मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक के लोग बार यहाँ पर आते हैं। और अभी हम गंगा जी के घाट नंबर 1 पर तिगरी में, और यहीं पर है पीछे है सेक्टर नंबर 1, और ये गंगा जी का घाट है। और अभी यहाँ पे ना गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है, शाम के लगभग 5:30 से 6 के बीच है अभी, तो अभी लाइव गंगा आरती देखते हैं। वैसे आज का हमारा दिन पहला दिन था यहाँ पे और काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हम रात के लगभग 1 से 1:30 बजे आए थे, और 1:30 बजे आने के बाद हमने यहाँ पे टेंट लगाया अपना रहने का, क्योंकि यहाँ 5 से 6 दिन रहेंगे हम। तो आज का पूरा दिन लगभग कुछ देर सोए, कुछ खाया, फिर नहाने आ गए थे, बट नहाते हुए वीडियो शूट नहीं किया है, वो हम कल करेंगे या परसों करेंगे, ठीक है। चलो अभी गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है, बाकी बातें करते हैं बाद में। भाइया
तो देखिए रात में गंगा के किनारे कितने सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो गंगा के दूसरी तरफ भी ऐसा ही मेला लगता है जैसा कि इस साइड में लगता है जिधर हम हैं। क्या आपने पकौड़ी खाई है? पकौड़ी टेस्टी पार्टी हो रही है। तो भाई सुबह ही सुबह नहाने के बाद ना हम चले जाते हैं तिगरी। तो तिगरी में क्या है, वहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिलती है, वो भी कुल्हड़ वाली। तो वहाँ हमने सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी सी चाय पी है। अच्छा, नीले रंग के पैंट और शर्ट पहन रखे हैं, उम्र लगभग 5 वर्ष है। आदेश वरेता, इसके मम्मी पापा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने बेटे ईशांत को हमारे स्काउट सूचना केंद्र से ले जाने का कष्ट करें। तो देखिए अभी आपने जो आवाज़ सुनी है ये लगती है बच्चों की, जो बच्चे यहाँ मेले में खो जाते हैं तो यहाँ पे स्काउट गाइड केंद्र होता है, तो बच्चों की उनकी आवाज़ें लगती रहती हैं। तो ऐसे ये मेले में जो है ना, ये सामने देख रहे हो ये मैप लगा हुआ है, मेला लगभग 14 से 15 सेक्टर में बटा हुआ होता है और लगभग इतने ही गंगा किनारे घाट बने हुए होते हैं। जबकि ये मेला जैसे कह लो ना सरकारी मेला है, ये राजकीय मेला है। तो मेले के अंदर एक कोतवाली बनती है, एक चिकित्सा विभाग का मतलब पूरा सरकारी एक अस्पताल बनता है, और जो अधिकारी हैं जैसे DM वगैरह हैं इनके लिए आवास बनते हैं। और पूरे मेले में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे सभी लोग रहने के लिए अपने अपने डेरे बनाते हैं, जो वो अपना टेंट होता है, आप टेंट कह लो डेरे कह लो काफ़ी सारी चीज़ें। तो देखिए अब ये मेला है, अपने चारों तरफ यहाँ पे काफ़ी झूले हैं अलग अलग तरह के, नाका वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो जैसे दिन में मेला लगता है वैसे यहाँ पे रात में भी मेला लगता है। तो मैं एक रात की झलक दिखा देता हूँ आपको। सड़कड़ी मंडी के रहने वाले बिट्टू जहाँ कहीं भी हो तुरंत अपने डेरों में पहुंच जाएं। इस बार ना थोड़ा सा घाट जो बने हुए थे उन पे सफाई व्यवस्था थोड़ी कम मिली देखने को, बाकी हर बार की तरह मेला तो जैसा सेम था, बस घाटों पे सफाई थोड़ी इस बार में कम दिखाई दी है। तो
तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ मैं जो मेला है उसमें बना था एक शिवालय जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो बने हुए थे सभी। तो आओ मैं दिखा देता हूँ आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग। तो जैसे ही हम इसमें एंटर करते हैं सबसे पहले जो सामने हमारे शिवलिंग आते हैं वह है सोमनाथ का शिवलिंग। ये गुजरात के जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है। उसके बाद जो आता है मल्लिकार्जुन, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये सेकंड नंबर पे था। तो यहाँ पे ना वैसे शिवलिंग की जो शेप है सभी मंदिरों की 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में वो इन्होंने एडजेक्ट दिखाई है। उसके बाद इन्होंने दिखाया महाकालेश्वर उज्जैन। तो यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। तो इन्होंने बिल्कुल सेम दिखाने की कोशिश की है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेले के अंदर। ये चीज़ सबसे अच्छी मुझे यही चीज़ लगी थी। और ये है ओंकारेश्वर, ये भी जो है मध्य प्रदेश में आता है। तो ओंकारेश्वर शिवलिंग के बाद जो नंबर आता है वो इन्होंने दिया है वैद्यनाथ। तो ये जो है बिहार से है, बिहार के देवगढ़ में स्थित है ये। तो प्रभु की इच्छा से हमने दो शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं जिनमें एक उज्जैन महाकालेश्वर है और दूसरे केदारनाथ। तो देखिए यहाँ सामने अब भीम शंकर है। ये शिवलिंग जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगला आता है रामेश्वरम, ये जो है तमिलनाडु में समुद्री छोर पर रामेश्वरम द्वीप के पास है बिल्कुल। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है नागेश्वरम, ये भी जो है गुजरात सौराष्ट्र में है द्वारिका के पास में। तो इसके बाद आता है विश्वनाथ, ये उत्तर प्रदेश के काशी या फिर वाराणसी में स्थित है बाबा विश्वनाथ। और इसके बाद जो शिवलिंग आता है वो आता है त्र्यंबकेश्वर, ये जो है महाराष्ट्र के नासिक में है त्र्यंबकेश्वर। और ये हैं बाबा केदारनाथ जो उत्तराखंड में पड़ते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे में। ये जो शिवलिंग है कृष्णेश्वर ये कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद क्षेत्र में। तो इनकी शेप कुछ ऐसी है। देखिए जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है सभी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ शेप का अंतर आता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो दो ब्लॉग हैं उज्जैन महाकालेश्वर का और दूसरा जो हमारा केदारनाथ का है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर जो आई बटन है उसमें भी दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए रही प्रभु की इच्छा, बाकी हमारे जो 10 ज्योतिर्लिंग बचे हैं जब प्रभु बुलाएंगे तब चले जाएंगे वहाँ पे। तो मेला दिखा देता हूँ अब आपको थोड़ा सा। राम सिंह बोस जी तो बहुत बड़ा जब उससे हमें एक अलग जानकारी मिलती है कि हम मेले में जो इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट पर, सबसे ज़्यादा ध्यान है। बाकी अगर इससे अलग थोड़ा व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाता तो मेले में 4 चांद और लग जाते। बाकी छोड़िए जैसा था काफ़ी अच्छा रहा मेले का हमारा अनुभव। बाकी अगर आप कभी मेला गए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अगर नहीं गए हो तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आना, बताना हमें चाहे हमारे साथ चलना। की लड़की वाले को दिखाया दिया कितना मोटा पेट है देखे बार बार। और ये रोहित यादव हमारे नहाते हुए कैसा महसूस कर रहे हो आप नहाकर? बहुत ठंडा। तो इस वर्ष के मेले का ये हमारा अंतिम स्नान रहा है और थोड़ी सी मस्ती के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि हमारा आज का आखिरी दिन था यहाँ मेले में। और वापस हम चल दिए हैं आज घर की ओर।
तो आपको ये हमारा पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।